सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एनओसी जारी होंगे या नहीं, पीसीबी ने बड़ा फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस अपडेट के मुताबिक अपने राय का इजहार जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम तर सरगर्मियों को पहले ही मुअत्तल कर रखा है। मुंतजमीन और क्रिकेटर से दरख्वास्त है कि एहतियाती तदबीर पर अमल करे। चंद मुंतजमीन ने हमसे रमजान क्रिकेट के लिए एनओसी के हुसूल की गर्ज से वजाहत तलब करने के लिए राबता किया, लेकिन इस वक्त मुनासिब यही है कि हम इस सिलसिले में अपनी वाजा और जामिया पॉलिसी पर अमल करें, जिसके मुताबिक पीसीबी ने फिलहाल तमाम तर क्रिकेट सरगर्मियों को मुअत्तल कर रखा है। लिहाजा जब तक हालात मामूल पर नहीं आते पीसीबी रमजान क्रिकेट के लिए कोई एनओसी जारी नहीं करेगा। पीसीबी का कहना है कि वो अपने मुलाजमीन और खिलाड़ियों की हिफाजत और फलाह बहबूद के हवाले से बहुत संजीदा है। मुलाजमीन के अलावा तकरीबन 220 पेशावर क्रिकेटर पीसीबी के पेरोल पर है। पीसीबी इस अमल को यकीनी बनाएगा कि तमाम खिलाड़ियों को कम अज कम माली साल बराए 2020 के अख्तिताम तक उनकी तनख्वाहें अदा की जाए। तो दोस्तों रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से कुछ अपडेट, उम्मीद है इस अपडेट से आप भी मायूस हो गए होंगे। इस अपडेट के मुताबिक अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।